नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान में, आपके साथ अरिंदम जहान शेख। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं हम। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव का रन लगातार जारी है और इसी कड़ी में पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए वोटिंग जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर, पहले चरण के लिए वोटिंग लगातार जारी है। 6 जिलों की 25 पंचायत समितियों में मतदान का सिलसिला शुरू हो चुका है। जिला परिषद के लिए डाले जा रहे हैं वोट। आपको बता दें, शाम 7:30 बजे तक होगा मतदान और ऐसे में वोटिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है। 587 मतदान केंद्रों पर डाले जाएंगे वोट। पहली बार ईवीएम का होगा उपयोग। पहले चरण के लिए वोटिंग जारी, इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पहले चरण के लिए वोटिंग जारी हो चुकी है। 6 जिलों की 25 पंचायत समितियों में मतदान का सिलसिला शुरू हो चुका है। जिला परिषद के लिए डाले जा रहे हैं वोट। शाम 7:30 बजे तक होगा मतदान। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव का रन और ऐसे में मतदान शुरू हो चुका है। पहले चरण के लिए वोटिंग जारी है। आपको बता दें कि लगातार अब वोटिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है और ऐसे में बेजूपाड़ा पंचायत समिति में मतदान, 70,000 मतदाता करेंगे मतदान। इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 51 प्रत्याशियों के भाग का फैसला होगा। 16 वार्डों के 93 मतदान बूथों पर वोटिंग जारी है। बूथों पर पुलिस के चाक चौबंद व्यवस्था भी की गई है। सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम किए गए हैं और ऐसे में बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बेजूपाड़ा पंचायत समिति में मतदान और सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम किए गए हैं। क्रोटो कोरोना प्रोटोकॉल का भी ख्याल रखा जा रहा है। आपको बता दें, 51 प्रत्याशियों के भाग का ये फैसला कैद होगा आज और 16 वार्डों के 93 मतदान बूथों पर वोटिंग जारी है और ऐसे में वहां पर सुरक्षा के भी पुख्ते इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि 6 जिलों में 3 चरणों में होने वाले पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग शुरू है और 70,000 मतदाता करेंगे मतदान। 51 प्रत्याशियों के भाग का फैसला होगा और ऐसे में वहां पर सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम भी किए गए हैं। 16 वार्डों के 93 मतदान बूथों पर वोटिंग, बूथों पर पुलिस के चाक चौबंद व्यवस्था भी की गई है और ऐसे में सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम, कोरोना गाइडलाइंस का भी यहाँ पर बखूबी पालन किया जाएगा। बेजूपाड़ा पंचायत समिति में मतदान का सिलसिला जारी। पहली बार ईवीएम का होगा प्रयोग। जिला परिषद के 11 सदस्यों का होगा चुनाव। आपको बता दें, पंचायती राज चुनाव 2021 की मतदान शुरू हो चुकी है। पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्य के लिए प्रक्रिया जारी है। 32 मतदान केंद्रों पर बनाए गए 162 बूथ। हमारे साथ इस खबर पर बांदीकुई से देवेंद्र जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, क्या कुछ वहां पर अभी माहौल बना हुआ है? सुबह से प्रत्याशी लोग वहां पर मतदान केंद्र पर पहुंच रहे, किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था की गई है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस समय जो बैजूपाड़ा पंचायत समिति के जो चुनाव है उसको लेकर हम लोटवाड़ा के बूथ पर मौजूद हैं और जहाँ जो ग्रामीण हैं, जो ग्रामीण अपनी जो गांव की सरकार चुनने के लिए जो लगातार ग्रामीणों में उत्साह देखा जा रहा है, वर्तमान में हम वार्ड नंबर जो 7 और 8 जो लोटवाड़ा का जो बूथ है उस पर मौजूद है। पिछले 1.5 घंटे से यहाँ पे ईवीएम मशीन है उसके तकनीकी खराबी के चलते यहाँ मतदान नहीं हो पा रहा है। लोग बाग और ग्रामीणों के अंदर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। लंबी लंबी कतारें लगी हुई है, महिला पुरुष के लिए वोट का इंतजार कर रहे हैं। सीनियर सिटीजन सहित जो बुजुर्ग लोग हैं वो छाया के अंदर बैठकर अपने मत का प्रयोग करने के लिए यहाँ पे बिल्कुल जो तैनात हैं, यहाँ पे जो वोट डालने के लिए मतदाता आए हुए हैं वो लंबी लंबी कतारों में खड़े हुए हैं। मैं कैमरामैन सहयोग से कहना चाहूंगा कि जरा दिखाएं, कि जरा देखिए कि आप कैमरे नजरे देख रहे होंगे कि बुजुर्ग सहित महिला भी अपने क्या नाम से जो मत का प्रयोग है उसके लिए यहाँ पर बिल्कुल आए हुए हैं और लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। पिछले 1.5 घंटे से यहाँ पे जो बूथ है वो बिल्कुल तकनीक
पानी की खामी के चलते हुए यहाँ पर मतदान नहीं हुआ है। पिछले 1.5 घंटे से लोग बाग लाइनों में खड़े हुए हैं और जो प्रशासन है वो पूरी तरह से आया हुआ है, ईवीएम को सही करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की जो अभी जो इस बूथ पर है वार्ड नंबर 7 और 8 में अभी भी एक भी जो वोट है वो अभी तक नहीं डाला है। तो देवेंद्र, मतलब ईवीएम खराब है और ऐसे में लोगों को वहां पर इंतजार करना पड़ा, और यहां पर हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कोरोना गाइडलाइंस का किस तरीके से पालन किया जा रहा है। जी मैं आपको बिल्कुल बताना चाहता हूं कि जो ईवीएम का है जो तकनीक खराबी के चलते हुए अभी तक एक भी जो मत का जो प्रयोग करने के लिए ग्रामीण आए हुए थे वो अभी तक एक भी अभी तक वोट डाला नहीं गया है। हालांकि जो जिला प्रशासन की ओर से जो चुनाव की प्रक्रिया के लिए जो अधिकारी लगाए हुए हैं वो लगातार मशक्कत कर रहे हैं। वहीं जो कोरोना प्रोटोकॉल की बात की जाए तो कोरोना प्रोटोकॉल के अंदर देखा जाता है कि कहीं ना कहीं जो ग्रामीण क्षेत्र है इसके अंदर कोरोना जो प्रोटोकॉल है उसका कहीं भी जो खासा जो जैसे सोशल डिस्टेंसिंग का है, मास्क का है, ऐसा कोई खासा दिखता नहीं है। मैं कैमरे जरिए दिखाऊंगा कि जैसे सारी जो महिलाएं हैं आप देख सकते हैं मास्क एक के भी नहीं है, साथ ही जो कोरोना प्रोटोकॉल का है कोरोना की कहीं ना कहीं कोरोना की धज्जियां उड़ती नजर आ रही है। देवेंद्र, ऐसे में वहां पर पुलिस प्रशासन भी मौजूद है तो क्या कोई कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं करवा रहे हैं? बिल्कुल, पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है और जो व्यवस्था है वो सुरक्षा की दृष्टि से चाक चौबंद है, लेकिन पुलिस भी जो सोशल डिस्टेंसिंग है और कोरोना का जो प्रोटोकॉल है उसकी पालना करवाती हुई नजर आ रही है, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग बाग हैं वो जागरूक नहीं होने के कारण जो कोरोना प्रोटोकॉल है उसका पालना नहीं कर पा रहे। देवेंद्र, अगर ऐसे में हम बात करें कि उस क्षेत्र में सबसे ज्यादा टक्कर किस में देखने को मिल रहा है इस पंचायत चुनाव में? मैं आपको बताना चाहूंगा कि पंचायत राज चुनाव है, गांव की सरकार है, गांव की सरकार को चुनने के लिए ग्रामीणों सहित महिलाओं में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग बार अपने मत का प्रयोग करने के लिए बूथों पर पहुंच रहे हैं। 16 वार्डों के अंदर 93 बूथ बनाए गए हैं पूरे बैजूपड़ा पंचायत समिति के अंदर, और जो वोट है उसके लिए ग्रामीण क्षेत्र अपनी ग्राम की जो सरकार है उसको चुनने के लिए बिल्कुल यहाँ पे मत का प्रयोग करने के लिए आए हुए। जी देवेंद्र, तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जयपुर से बसंत पांडे जुड़ चुके हैं। बसंत, क्या कुछ वहां पर तैयारियां हैं चुनाव को लेकर, किस तरीके से वहां पर लोग पहुंच रहे हैं? बसंत से हमारा संपर्क टूट चुका है, हम वापस से जुड़ने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि पहले चरण के लिए वोटिंग जारी है और ऐसे में वहां पर तमाम लोग पहुंच रहे हैं, कोरोना गाइडलाइंस का भी बखूबी यहां पर पालन किया जा रहा है। 51 प्रत्याशी भाग्य का फैसला होगा और ऐसे में आज पंचायत चुनाव के लिए लोग मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं मतदान केंद्र पर। और आपको बता दें कि पहली बार इस चुनाव में ईवीएम का प्रयोग किया जा रहा है और सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, और चूंकि कोरोना काल चल रहा है ऐसे में कोरोना गाइडलाइंस का भी बखूबी पालन किया जा रहा है। आपको बता दें कि 6 जिलों में जिला परिषद सदस्यों के मतदान है और इस दौरान जिला परिषद के लिए डाले जा रहे वोट शाम 7:30 बजे तक ये मतदान किया जाएगा और ऐसे में लोग वहां पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं मतदान केंद्र पर। आपको बता दें 70,000 मतदाता करेंगे मतदान और ऐसे में पहले चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। 51 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। 16 वार्डों के 53 मतदान बूथों पर वोटिंग जारी है। बूथों पर पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था भी की गई है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं तमाम वोटिंग केंद्र पर। आपको बता दें कि पहले चरण के लिए वोटिंग जारी है, 6 जिलों में ये मतदान होने हैं और इसको लेकर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पहली बार ईवीएम का भी प्रयोग किया जा रहा है और शाम 7:30 बजे तक ये मतदान किया जाएगा। आपको बता दें कि वोटिंग के बाद मतदान की पेटियां सभी जिला मुख्यालय पर निर्धारित किए गए स्थानों पर जमा होगी।
इन्हीं जगहों पर 4 सितंबर को वोटिंग की काउंटिंग शुरू होगी। और जयपुर की बात करें तो यह राजस्थान कॉलेज और कॉमर्स कॉलेज में ईवीएम मशीन जमा होगी और वहां पर काउंटिंग का सिलसिला शुरू होगा। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव के लिए आज से वोटिंग का पहले चरण का मतदान शुरू हो चुका है और ऐसे में तमाम लोग मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं। इस दौरान कोरोना गाइडलाइंस का भी बखूबी पालन किया जा रहा है। 51 प्रत्याशियों का भाग्य इसमें कैद होगा। 16 वार्डों के 53 मतदाता बूथों पर वोटिंग जारी है। बूथों पर पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था भी की गई है। आपको बता दें कि शाम 7:30 बजे तक लोग मतदान केंद्र पर जाकर मतदान कर सकेंगे। जिला मुख्यालय पर होगी काउंटिंग। प्रदेश के 6 जिलों में 3 चरणों में होने वाले पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। जयपुर, जोधपुर, दौसा, सिरोही, सवाईमाधोपुर और भरतपुर जिले की 25 पंचायत समितियों में मतदान हो रहे हैं। जयपुर की कोटपुतली, पावटा, शाहपुर, आमेर, विराटनगर, जालसू और झोटवाड़ा में वोट डाले जा रहे हैं। पहले चरण के लिए इन सभी 6 जिलों में कुल 3599 मतदान केंद्रों बनाए गए हैं और 6 जिलों में 25 पंचायत समितियों के सदस्यों के साथ साथ इन पंचायत समिति क्षेत्र में आने वाला जिला परिषद वार्ड की भी वोटिंग हो गई है। आपको बता दें कि जिला मुख्यालय पर वोटिंग हो रही है और ऐसे में पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग डाला जा रहा है। 6 जिलों में ये वोटिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है। जिला परिषद के लिए डाले जा रहे हैं वोट। ऐसे में तमाम लोग सुबह से ही मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं और मतदान कर रहे हैं। आपको बता दें कि बीजूपाड़ा पंचायत समिति में आज मतदान है और ऐसे में तमाम लोग वहां पर पहुंचे हैं। 70,000 मतदाता करेंगे मतदान और ऐसे में 51 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला है। 16 वार्डों के 53 मतदान बूथों पर वोटिंग जारी है। इसके ऊपर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जयपुर से वसंत पांडे जुड़ चुके हैं। वसंत, क्या कुछ वहां पर तैयारियां है, किस तरीके से लोग पहुंच रहे हैं और कोरोना गाइडलाइंस का कितना पालन किया जा रहा है? देखिए, 6 जिलों में चुनाव हो रहे हैं, जयपुर, जोधपुर, भरतपुर, सिरोही, दौसा और पाली में। हालांकि जिस तरह चुनाव आयोग ने कमेटी गठित की हुई है, लगातार जो है प्रशासनिक अधिकारी मॉनिटरिंग भी करने में लगे हैं। 30,000 से अधिक जो है कार्मिक कर्मचारी है जिनको इसमें पहले चरण के चुनाव में लगाया गया। पहले चरण का जो मतदान है वो सुबह 7:30 बजे से 5:30 बजे तक होगा। दूसरे चरण का जो मतदान है वो 29 तारीख को होगा और तीसरे चरण का जो है 1 सितंबर को होगा। इसके साथ साथ ही जो मतगणना है वो 4 सितंबर को सुबह 9 बजे से होगी। हालांकि जो मतदान केंद्र हैं उनकी संख्या 3599 में रखी गई है और जो मतदाता हैं वो 26,55,849 जो है वो मतदाता हैं, जिसमें 14 लाख जो है पुरुष हैं और 12 लाख से अधिक जो है महिलाएं हैं। हालांकि जो मतदान केंद्र है वहां पर पूरी गाइडलाइन की पालना हो इसके लिए कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है। साथ ही साथ एक जो है सरकार की ओर से कहा भी गया है जो मतदाता मतदान केंद्र में आएंगे वो मास्क लगाकर पहुंचे। साथ ही साथ जो गाइडलाइन है सरकार की उसकी पालना करें, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो, इस पर भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। चुनाव जो आयुक्त है उनकी ओर से लगातार जो है मॉनिटरिंग की जा रही है। जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर जो है नियंत्रण कक्ष भी बनाया गया है। किसी तरह की शिकायत मिलने के लिए टोल फ्री नंबर है वो भी जारी किया गया है। तो कह सकते हैं कि जिस तरह अधिकारी मॉनिटरिंग करने में लगे हैं और लगातार लोगों से अपील भी की जा रही है कि गाइडलाइन की पालना करें। लेकिन इस बार जो है जिस तरह 25 पंचायत समिति में जो है पंचायत सदस्यों के चुनाव और जिला परिषद के चुनाव हो रहे हैं, ऐसे में मुख्यमंत्री सहित 4 जो मंत्री हैं सत्ता के, उनकी प्रतिष्ठा भी कहीं ना कहीं दांव पर लगी हुई है क्योंकि मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र मंडोर में भी चुनाव हो रहे हैं। इसके साथ साथ लालचंद कटारिया हो, प्रसादी लाल मीणा हो और ममता भूपेश हो, राजेंद्र यादव हो, इनकी भी जो है प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है क्योंकि इनके भी गृह क्षेत्र में जो है चुनाव हो रहे हैं। हालांकि जिस तरह 10,000 ईवीएम मशीन भी जो है मतदान केंद्रों पर लगाई गई है, साथ ही साथ मॉनिटरिंग भी जो है जिला स्तर पर की जा रही है
ताकि किसी तरह की अनहोनी ना हो, क्योंकि जिस तरह प्रचार प्रसार देखने को मिला था, खुद जो मंत्री हैं चाहे वो सत्ता के हों चाहे विपक्ष के हों, वो लगातार मॉनिटरिंग करने में लगे थे और लगातार जनता के बीच जाकर वादे गिनाए जा रहे थे। लेकिन जिस तरह सत्ता पक्ष के जो मंत्री, उनका साफ तौर पर कहना है कि कोरोना काल में जिस तरह के हालात हुए थे, महंगाई लगातार जो है बढ़ती जा रही थी, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे थे, गैस के दाम बढ़ रहे थे, तो ऐसे में जनता अब बीजेपी के जो है बखावे में आने वाली नहीं है, जनता समझ चुकी है और इस बार निश्चित तौर पर पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव में इसमें कांग्रेस की जीत होगी। लेकिन वहीं दूसरी ओर जिस तरह बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जो है खुद जो है फील्ड में उतरे थे, लगातार जो है संवाद जो है जनता के बीच जाकर किया जा रहा था, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह भी लगातार जो है जनता के बीच में गए थे और कई तरह के वादे किए गए थे। हालांकि स्थिति जो है 4 तारीख को साफ हो पाएगी जो है किसकी जीत हुई है किसकी हार हुई है, लेकिन लगातार दम जो है चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो चाहे आरएलपी हो, लगातार मैदान में उतरी थी, जनता के बीच जाकर सभाएं भी की गई थी और लगातार वादे भी किए गए थे। लेकिन जो परिणाम आने के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी कि किसकी जीत हुई है किसकी हार हुई है, क्योंकि आरएलपी के साथ साथ निर्दलीय भी मैदान में है, साथ साथ बीजेपी और कांग्रेस के जो है मंत्री है उनकी भी साख जो है दांव पर लगी हुई है। तो निश्चित तौर पर हालांकि 7:30 बजे से जो है मतदान शुरू हो चुके हैं, जिनके लिए 3599 जो है केंद्र बनाए गए हैं, वहां पर अलग अलग अधिकारियों को नियुक्त किया गया है, पुलिस की टीम लगातार मॉनिटरिंग करने में लगी हुई है, साथ ही साथ जो प्रत्याशी है उनके समर्थकों से भी अपील की जा रही थी कि जो मतदान केंद्र है वहां पर एकजुट ना हो और सरकार की गाइडलाइन की पालना हो, मास्क का उपयोग हो, हाथों को सैनिटाइज करने की व्यवस्था भी यहाँ की गई है और जो वृद्धजन जो दिव्यांग है उनको भी यहाँ हालांकि प्राथमिकता दी जा रही है। जी बसंत, ऐसे में बीजेपी ने जन आशीर्वाद यात्रा निकाला था, ग्राउंड लेवल पर जाकर जनता से जुड़ने की यहाँ पर कोशिश भी की गई थी, तो क्या लगता है इस चुनाव में इसका थोड़ा भी फायदा मिल पाएगा बीजेपी को? देखिए निश्चित तौर पर हालांकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भी जो है जगह जगह जो है सभाएं की थी और कई तरह के वादे उन्होंने किए थे, साथ ही साथ कई खुद का सत्ता पक्ष पर भी आरोप लगाया था कि कांग्रेस जो है राजस्थान में पूरी तरह से फैल हो चुकी है, यहां पर लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, अपराधों के जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और जो है जो चिकित्सा व्यवस्था वो पूरी जो है धूमिल हो चुकी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी भी आरोप लगाने में लगी थी, वहीं सत्ता पक्ष के जो मंत्री थे लगातार आरोप लगाने में लगे थे, खुद परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा था कि लगातार महंगाई बढ़ रही है, केंद्र की ओर से जो है कोरोना काल में जहां लोग बीमारियों से जूझ रहे थे और लगातार कोरोना के मौत के आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही थी, उस वक्त केंद्र की ओर से लगातार जो है महंगाई पर लगाम लगाने की कोशिश नहीं की गई और लगातार महंगाई को बढ़ावा दिया गया। तो ऐसे में अब जनता समझ चुकी है कि कौन सी पार्टी उनकी हितैषी है कौन सी नहीं है। तो निश्चित तौर पर इस बार जिस तरह प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि पंचायत समिति सदस्य के चुनाव में निश्चित तौर पर कांग्रेस की जीत होगी, क्योंकि जनता भी समझ चुकी है, क्योंकि महंगाई की मार से जनता पहले ही परेशान है, कोरोना काल में जिस तरह के हालात देखने को मिले थे, लगातार केंद्र सरकार से मदद की मांग की जा रही थी, उस वक्त भी केंद्र सरकार की ओर से मदद नहीं की गई, अब जब कोरोना काल चल रहा था उस वक्त वैक्सीन की लगातार मांग की जा रही थी लेकिन वैक्सीन भी जो है केंद्र की ओर से नहीं दी गई और लगातार जो है वैक्सीन कैंप भी नहीं लग पा रहे थे और लगातार जो सप्लाई थी वो भी बाधित हो रही थी। कई तरह के मुद्दे जो है ये बुनाए गए हैं पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव में, एक सत्ता पक्ष विपक्ष पर आरोप लगाते हैं, विपक्ष सत्ता पक्ष पर आरोप लगा रही है, वहीं दूसरी ओर आरएलपी के जो संयोजक थे हनुमान मैनीवाल वो भी लगातार जो है सफाई करने में लगे थे, उन्होंने भी हालांकि जीत की बात की है कि उनके जो सदस्य मैदान में उतरे हैं उनकी जीत होगी। हालांकि 25 पंचायत समिति में जो है 521 जो सदस्य हैं उनके लिए 1721 उम्मीदवार मैदान पर है, हालांकि जब 4 तारीख को मतगणना होगी उसके बाद स्थिति साफ हो पाएगी जनता ने किसको अपना बहुमत दिया है और किसकी जीत हुई है। जी बिल्कुल बसंत, रिजल्ट आने पर ही ये तस्वीरें साफ हो पाएगी कि जनता ने किसे चुना है। बसंत, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें कि लगातार मतदान केंद्र पर लोग पहुंच रहे हैं और मतदान दे रहे हैं और ऐसे में पहले चरण के लिए वोटिंग जारी है। आपको बता दें कि 6 जिलों की 25 पंचायत समितियों में मतदान लगातार जारी है, जहां पर कोरोना गाइडलाइंस का भी बखूबी पालन किया जा रहा है। शाम 7:30 बजे तक ये मतदान जारी रहेगा और ऐसे में लोगों में भी बेहद ज़्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। 70,000 मतदाता करेंगे मतदान और आपको बता दें कि पहले चरण में 3599 मतदाता देंगे अपना मतदान। तो ऐसे में पहले चरण के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। आपको बता दें जयपुर, भरतपुर, जोधपुर, सवाईमाधोपुर, सिरोही में पहले चरण के लिए मतदान शुरू हो चुका है। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ललित परियार जुड़ चुके हैं। ललित, क्या कुछ वहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, लोगों में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है चुनाव को लेकर?
जोधपुर जिला प्रमुख के लिए जो चुनाव हो रहा है, जो जिला परिषद का ये जो चुनाव है, जिसमें इस बार जोधपुर जिला प्रमुख का जो पद है वो महिला सामान्य वर्ग की महिला के लिए आरक्षित है। और सुबह से ही जब थोड़ा मौसम अच्छा है, सुहाना मौसम कहा जा सकता है, गर्मी अभी तक बढ़ी नहीं है, जब तक लोग जो है बूथों तक पहुँच रहे हैं, मतदान कर रहे हैं, महिलाएं भी बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों तक पहुंची है। जोधपुर जिले में जो 6 पंचायत समितियों के लिए आज मतदान हो रहा है, उसमें सबसे नज़दीकी जो है वो मंडोर पंचायत समिति है, जोधपुर शहर की सीमा से लगती हुई ये पंचायत समिति है। उसके अलावा जो फलोदी बाप पंचायत समितियाँ हैं उनका काफ़ी विस्तार है, वो जोधपुर जिले के दूसरे सिरे पे है और जैसलमेर जिले की सीमा तक जाती है। तो ऐसे में यहाँ पर मतदान के कई अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण चुनाव जो होने जा रहा है, जिसमें महिलाएं जो 37 वार्ड है जिला परिषद के, उसमें से 101 उम्मीदवार मैदान में है और 55 महिलाएं मैदान में है। इससे ये साफ देखा जा सकता है कि महिलाओं को बहुत रुचि है इस चुनाव में। और जब जिला प्रमुख का पद भी महिला सामान्य के लिए इस बार आरक्षित है, लॉटरी में निकाला जा चुका है, तो महिलाएं बड़ी संख्या में मतदान के लिए आएगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन जो दूसरा पहलू है वो यह है कि जैसे जैसे सूरज चढ़ेगा, जैसे जैसे दोपहर होगी, जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी, पिछले दिनों में जोधपुर ज़िले में बहुत कम बारिश हुई है, इसलिए यहाँ पर अभी गर्मी का आलम बना हुआ है। 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान रोजाना देखने को मिल रहा है, इसके चलते तेज गर्मी में यहाँ पर मुश्किल देखने को मिल रही है। पुलिस ने इसके जी ललित बिल्कुल 6 जिलों में मतदान शुरू हो चुका है और ऐसे में लोग वहां पर पहुंच रहे हैं और लोगों में काफी ज्यादा उत्साह देखने को भी मिल रहा है। ललित, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।